हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आपने हमेशा मैदे का केक खाया होगा, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गेहूँ के आटे का केक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। आटे में डाल देंगे 2 चम्मच कोको पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। उसी में डाल देंगे पिसी हुई चीनी 1 कप। अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को। इसी में डाल देंगे 2 चुटकी नमक मीठे को बैलेंस करने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 अंडा। ये 2 जर्दी वाला अंडा है इसलिए मैंने 1 लिया है, आप 2 अंडे ले लीजिए। इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। आप अंडे की बजाय दही भी डाल सकते हो इसमें, अंडा नहीं खाते हो तो आप इसमें दही डाल दीजिए। इसमें डाल दिया है मैंने 1/3 कप तेल, 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे इसमें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हमें दूध और अंडे को गेहूं के आटे में थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेना है अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें ताकि आटे की गुठलियां ना रहे। मुझे थोड़ा बैटर थिक लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया है। दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम केक के लिए बैटर बनाते हैं ना, सेम उसी तरह का चाहिए हमें बैटर। इसमें डाल देंगे तरबूज के बीज, आप इसके बजाय ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो कट करके बारीक। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बैटर तैयार है। मैंने यहाँ पे अप्पे पैन लिया है, हम इसी में बनाएंगे मिनी केक। इस पर पहला तेल लगा देंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप कटोरी में भी बना सकते हो कढ़ाई में रख के। इसमें डाल देंगे बैटर। अब हम इस पर डाल देंगे क्रश किया हुआ पिस्ता। इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर रख देना है, उसके बाद पलट लेना है। 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको पलट लेंगे। हमने जो इस पर पिस्ता डाला था ना, वो पक के अंदर गए हैं और खाते वक्त बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम क्रंचीनेस आता है खाने में। एक साइड से पलट कर हम दूसरी साइड अच्छे से पका लेंगे। ढक कर दूसरी साइड भी पका लेना है। अब अच्छे से पक चुके हैं, अब निकाल लेंगे। तो तैयार है गेहूं का आटे का चॉकलेट केक। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बना है। तो जब भी मीठा खाना हो तो आप ये बना सकते हैं, एकदम टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड, ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।